घाट का निर्माण कराया जा रहा है, बैरिकेटिंग की जाएगी जल स्तर देखते हुए, और उसके बाद चेंजिंग रूम, प्रकाश व्यवस्था और कंट्रोल रूम हम लोगों का, मेडिकल टीम सब लोग रहेगा, SDRF NDRF की टीम भी रहेगी कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति नहीं हो, साफ सफाई रहेगी, जो हमारे छठ व्रती आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ घाट जो है जो खतरनाक घोषित किए जाते हैं, लोग वहाँ चले जाते हैं और कुछ अनकोर्ड इंसिडेंट भी पूर्व में हो गए हैं, इसलिए अनुरोध होगा कि जो घाट खतरनाक घोषित किए गए वहाँ बिल्कुल नहीं जाएं और प्रशासन द्वारा जिन घाटों पर व्यापक तैयारियाँ की गई हैं वहाँ पर जाएं। हाँ, वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी रहेगी, पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं सभी घाटों पर, मुख्य रूप से जो कॉलेज और स्कूल और इस प्रकार के प्रांगण हैं वहाँ पर हम लोग इसको रख रहे हैं, और जो हमारे कच्चे घाट हैं इधर JP सेतु के आसपास वहाँ भी बड़े बड़े पार्किंग स्थल निकले हैं, उनको भी बैरिकेड करा के हम लोग पार्किंग की व्यवस्था करा रहे हैं। वॉच टावर लगाए गए हैं, रोशनी की आने जाने वाले रास्तों में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की गई है, घाटों पर वॉच टावर बनाए गए हैं, इसके अलावा बैरिकेडिंग भी प्रशासन द्वारा की जा रही है, ये भी अनुरोध होगा कि बैरिकेडिंग को लोग क्रॉस नहीं करें। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर पटना जिला प्रशासन की तरफ से हर तैयारी पूरी की जा रही है ताकि छठ व्रतियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन सभी छठ घाटों पर सुविधाओं को लेकर काफ़ी चुस्त और दुरुस्त दिख रहा है। इसी बीच पटना जिला पदाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने गंगा किनारे के छठ घाटों का निरीक्षण किया है और निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। इस मौके पर पटना के SSP राजीव मिश्रा भी मौजूद रहे और DM के साथ साथ SSP ने पत्रकारों से बातचीत की है और साफ साफ इन दोनों अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए आप। छठ घाटों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और आज हम लोग यहाँ नासरीगंज घाट से शुरू किए, दानापुर अनुमंडल के जो गंगा घाट हैं मनेर के हल्दी छपरा तक उसका निरीक्षण का हम लोगों का प्लान है, और इसके बाद हमारे यहाँ दुल्हिन बाजार में उलार सूर्य मंदिर है, यहाँ काफ़ी भीड़ होती है तो वहाँ भी हम लोगों का निरीक्षण का आज प्लान है, और मसौढ़ी अनुमंडल में भी कुछ बड़े छठ घाट हैं उनको भी हम लोग आज देखेंगे। तो मुख्य रूप से वहाँ जो तैयारी हो रही है उसका निरीक्षण कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे और कोई दुर्घटना का चांस नहीं रहे, उसी को लेकर के हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। तो अभी व्यवस्था ठीक है, काम चल रहा है तेज़ी से और 2-3 दिन का समय है, उसमें बाकी काम पूरा कर लिया जाएगा, और कुल मिला के घाट का निर्माण कराया जा रहा है, बैरिकेटिंग की जाएगी जल स्तर देखते हुए, और उसके बाद चेंजिंग रूम, प्रकाश व्यवस्था और कंट्रोल रूम हम लोगों का, मेडिकल टीम सब लोग रहेगा, SDRF NDRF की टीम भी रहेगी कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति नहीं हो, साफ सफाई रहेगी, जो हमारे छठ व्रती आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, तो सरकार के निर्देशानुसार ये सारी तैयारी सभी घाटों पर सुनिश्चित कराई जा रही है, उसी का निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं। और अभी जो जलस्तर की बात है तो जो पिछले साल छठ के समय जितना गंगा का जलस्तर था उससे 1 मीटर अधिक रहेगा इस बार, क्योंकि लगभग 12 दिन पहले छठ पड़ रही है पिछले साल की तुलना में, तो उसको देखते हुए हम लोग बैरिकेटिंग कर रहे हैं, और आज का जो जल स्तर है इससे हम लोगों को उम्मीद है कि अभी लगभग 1 से 1.5 फीट और घटेगा छठ के दिन तक, लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर प्रतिदिन घट रहा है, तो उसको देखते हुए तो हम लोगों ने तैयारी अच्छी की है और जो बचे काम है उसको समय से पूरा करने का निर्देश दिया गया है, विभिन्न घाटों पर उसी का निरीक्षण कर रहे हैं। सर, पार्किंग की व्यवस्था? हाँ, वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी रहेगी, पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं सभी घाटों पर, मुख्य रूप से जो कॉलेज और स्कूल और इस प्रकार के प्रांगण हैं वहाँ पर हम लोग इसको रख रहे हैं, और जो हमारे कच्चे घाट हैं इधर JP सेतु के आसपास वहाँ भी बड़े बड़े पार्किंग स्थल निकले हैं, उनको भी बैरिकेड करा के हम लोग पार्किंग की व्यवस्था करा रहे हैं। छठ के दिनों गंगा में नाव का परिचालन? हाँ, नाव का परिचालन उस दिन बंद रहेगा, यही फिर किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो, और उसके लिए SDRF NDRF जो टीम लगाई गई है और हम लोगों की पेट्रोलिंग टीम नदी में भी रहेगी, और उस दिन परिचालन बंद रहेगा, सभी अनुमंडल पर अधिकारी को निर्देशित किया गया। लेकिन सर, अवैध जो नाव इस पार से इस पार आते थे वो अभी तक पूरी तरह से बंद नहीं हुआ? नहीं, जो अब दियारा एरिया है जब तक पीपा पुल नहीं लगता है तो लोगों के आवागमन का साधन नाव ही है, तो हम लोगों ने ये कहा ओवरलोडिंग नहीं करेंगे और अपनी दिनचर्या के लिए इधर आ रहे हैं सिटी साइड में, फिर यहाँ से दियारा एरिया में जा रहे हैं तो मुख्य साधन तो अभी नाव ही है जब तक पीपा पुल नहीं बन जाता है, तो उसको देखते हुए कहा गया है कि नाव जो है उसको ओवरलोडिंग नहीं करें और जो क्षमता है उतना का ही परिचालन करें, और निबंधन का निर्देश दिया गया है, SDO पर जो है अनुमंडल पर अधिकारी सभी का निबंधन भी सुनिश्चित करा रहे हैं, उस पर हम लोगों की नज़र है। पर जो है व्यापक तैयारियां की जाती हैं हर साल, और विशेष रूप से जो घाट पर जो समस्या रहती है वो ट्रैफिक की ज़्यादा रहती है, और इसलिए जो हमारे बड़े घाट हैं, दीघा घाट हैं और कलेक्ट्रेट घाट है,
गाय घाट है और दानापुर में जो नारियल घाट और पीपापुल घाट, इस तरह के जो घाट है, नासरीगंज घाट है, इन सभी जगहों पर ट्रैफिक की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पार्किंग स्थल जो पहले से चिन्हित हैं उनको ठीक ठाक करा दिया गया है। हमारा ये अनुरोध होगा कि जो प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं और जैसे गाइड किया जा रहा है उसको स्थानीय लोगों को उसको माने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ घाट जो है जो खतरनाक घोषित किए जाते हैं लोग वहाँ चले जाते हैं और कुछ अनुकूल इंसिडेंट भी पूर्व में हो गए हैं। इसलिए अनुरोध होगा कि जो घाट खतरनाक घोषित किए गए वहाँ बिल्कुल नहीं जाएं और प्रशासन द्वारा जिन घाटों पर व्यापक तैयारियाँ की गई हैं वहाँ पर जाएं। इसके अलावा छठ पर क्योंकि लोग बड़ी संख्या में रात में घाट पर रहते हैं तो वैसे घाटों में रात में भी सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है, पुलिसकर्मी वहाँ रहेंगे और गांव जो उनके घर हैं उन घरों पर भी जो है गश्ती वगैरह की व्यवस्था वैसे मोहल्लों में की जा रही है। नासरीगंज मोड़ जो है छठ के दिन अमूमन देखा जाता है कि शाम के अर्घ के दिन पूरा चौक हो जाता है, दोनों तरफ से गाड़ियां आती जाती है, तो उसके लिए क्या कुछ स्पेशल व्यवस्थाएं की? नहीं देखिए, इसमें दिक्कत तभी होती है जब लोग एकदम लास्ट मोमेंट में बड़ी संख्या में आते हैं, इसलिए हमारा अनुरोध होगा कि पहले से ही आना शुरू कर दें, क्योंकि जो शाम वाला अर्घ होता है उसमें दोनों तरफ से ट्रैफिक चलता रहता है, लोग आते भी रहते हैं, लोग 3-3:30 बजे से आने लगते हैं और वापस भी जाने लगते हैं, उसमें जब लास्ट मोमेंट में लोग बड़ी संख्या में आते हैं तो समस्या होती है। इसीलिए सुबह के अर्घ में इस तरह की समस्या नहीं होती, क्योंकि लोग आते हैं और फिर एक अलग अलग समय में निकलते हैं, आने और जाने का समय अलग अलग हो जाता है। इसलिए शाम के समय में जो जहाँ रोका जाए लोग वहाँ रुके, कई बार लोग रुकना नहीं चाहते और बहुत घाट के नज़दीक आना चाहते हैं, खासकर जो बाद में आते हैं। इसलिए अनुरोध होगा कि समय से आ जाएँ और जहाँ पर फिर जो ट्रैफिक के कर्मी हैं, जो पुलिसकर्मी प्रतिनियुक्त किए गए हैं यातायात संचालन में, उनके द्वारा जो अनुरोध किया जा रहा है उस अनुरोध को मानेंगे तो इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अतिरिक्त भी बल लगाया गया है छठ के दिन जो है घाटों पर, अतिरिक्त बल लगाया गया है और जो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले घाट हैं या जहाँ रात में लोग रहते हैं वहाँ उसके लिए भी अलग से व्यवस्था की जा रही है। वॉच टावर भी, वॉच टावर लगाए गए हैं, रोशनी की आने जाने वाले रास्तों में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की गई है, घाटों पर वॉच टावर बनाए गए हैं। इसके अलावा बैरिकेडिंग भी प्रशासन द्वारा की जा रही है, ये भी अनुरोध होगा कि बैरिकेडिंग को लोग क्रॉस नहीं करें। तो अभी आपने पटना DM और SSP राजीव मिश्रा को सुना है, उनका साफ साफ कहना है कि छठ पर्व में छठवर्तियों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किया गया है और 24 घंटा छठवर्तियों को हर सुविधाएं दी जाएगी, सुरक्षा का इंतजाम होगा, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आप अपनी राय क्या रखते हैं राजधानी पटना में गंगा के घाटों पर छठ पर्व को लेकर, तैयारी को लेकर, आने वाले महापर्व की सुरक्षा को लेकर, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।